लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। देश के कई जगहों में टिड्डियों का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों कटनी, दमोह और श्योपुर में रविवार देर शाम को फिर टिड्डी दलों ने हमला बोल दिया। इनसे बचाव के लिए कहीं कृषि विभाग ने कीटनाशक का छिड़काव किया तो कहीं लोगों ने शोर मचाकर इन्हें दूर भगाया। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर, सोनभद्र समेत सूबे की सीमा पर टिड्डियों के चलते चौकसी बढ़ा दी गई है। बताया गया है कि मध्य प्रदेश के रायपुरा और सोइकला इलाकों में टिड्डी दल ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। पेड़ों की पत्तियों के साथ साथ खेतों में रोपी जा रही धान के फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। फायर ब्रिगेड ने कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डी दलों को भगाया। वहीं ग्रामीणों ने थाली, बर्तन इत्यादि बजाए। राज्य के कटनी जिले के सिंहुड़ी, सलीमनाबाद, तिहारी, इमलिया और खुड़ावल में टिड्डी दलों ने धावा बोला। उधर दमोह जिले के बांदकपुर, आनुगांव, जुझार, हलगज, रियाना, जबेरा और नोहटा में टिड्डी दलों ने दोबारा हमला बोला। उन्हें खदेड़ने के लिए गांव के लोगों ने खुद थाली व बर्तनों से शोर किया। मिली जानकारी के अनुसार टिड्डियों का यह नया झुंड बीते रविवार को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर निकल पड़ा है। शिवपुरी से होकर उत्तर प्रदेश में दस्तक देने की आशंका के चलते चारों तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है। इससे पहले बीते शनिवार को एक टिड्डी दल ने मध्य प्रदेश के बिरधा गांव में हमला बोलकर फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया था। बता दें कि इन टिड्डियों पर काबू पाने का प्रयास रविवार देर शाम तक चलता रहा। लगभग 40 % टिड्डियों को पूरी तरह से खत्म करने के दावे के बीच इस नए टिड्डी दल ने एक बार फिर अधिकारियों और ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। शिवपुरी के रास्ते इस नए टिड्डी दल के हमले की आशंका को लेकर सोनभद्र, हमीरपुर, झांसी समेत सूबे की सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि टिड्डी दल के आगमन को रोका जा सके। हमीरपुर के रास्ते देश की राजधानी दिल्ली में टिड्डियों के प्रवेश की आशंका के चलते लोगों को पूरी तरह से सतर्क कर दिया गया है।